हे गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। आज हमने बनाई है चिकन बिरयानी, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो चावल लिए थे। हम लोग आज आधा किलो चावल की बिरयानी बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने 5-6 ओनियन लिए हैं। उसको कट करके तेल में फ्राई किया। ये देखो गाइस, उसका कलर चेंज होने के बाद उसको निकालना है, थोड़ा सा क्रिस्पी होने के बाद। ये हो गया हमारा जो ओनियन था, जो प्याज था, उसका हमने ये बरिस्ता बनाया है। उसके साथ मैंने यहाँ पे लिए है काजू, और एक पतीले में मैंने जो अच्छे से धोए हुआ आधा किलो चिकन है तो वो मैंने डाल दिया है उसमें। अब इसमें जाएगा ये जो हमने बनाया था वो बरिस्ता, काजू और किशमिश जाएगा इसमें। ये टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है बिरयानी। हाँ, ये प्योर हैदराबादी बिरयानी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मार्केट में पिसा हुआ मिलता है, वही लेके आई थी मैं, क्योंकि घर पे इतना छोड़ नहीं होता है। इसका पेस्ट डाल दिया मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 पैकेट। अब इसमें जाएगा ये पुदीना, खरा पुदीना है ना। उसके बाद जाएगा इसमें धनिया, 2-3 कटी हुई हरी मिर्च, और इसमें जाएगा जीरा, ये देखो गाइस, ये शाहजीरा और जीरा डाल दिया है हमने उसमें। अब जाएगा ये जो चिकन, लेमन जूस जाएगा इसमें। एक लेमन का जूस इसमें मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने ये जादव का कोल्हापुरी चिकन बिरयानी मसाला यूज़ किया है। पूरा आधा किलो पैकेट के लिए, आधा किलो चिकन के लिए ये 30 ग्राम का पैकेट है। वो मिक्स मसाला आता है बिरयानी का, तो वो मिल जाता है मार्केट में। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी मैंने, आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, तीखी वाली नहीं डालनी अपने को, जो खाली उसका कलर आता है वही डालनी है अपने को। उसको अच्छे से मिक्स किया मैंने। अब इसमें जाएगा 200 ग्राम दही, आधा किलो चिकन बिरयानी के लिए 200 ग्राम दही लगता ही लगता है। ये देखो दही जा गया उसमें। अभी जाएगा इसमें नमक, स्वादानुसार नमक का आप डाल दीजिए। अभी इसको मिक्स करेंगे हम लोग अच्छे से, अपने हाथ के हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसमें।
अभी इसमें जाएगा एक चम्मच तेल, बड़ा वाला जो चम्मच रहता है उसमें से जाएगा एक चम्मच तेल। उसके बाद जाएगा आधा चम्मच घी, ये देखिए आधा चम्मच घी इसमें डाल देती हूँ। अभी इसको मिक्स करके 15 से 20 मिनट अपने को फ्रिज में ऐसे ही रख देना है, ताकि पीस को अच्छे से चिकन लग मसाला लग जाए, चिकन के पीस को अच्छे से मसाला लग जाए। इसके लिए 15-20 मिनट हमने फ्रिज में रखा था। अभी 15-20 मिनट गाइस हो चुके हैं, तो मैंने इसको बाहर निकाला है अभी। और तब तक मैं एक साइड में अपना जो चावल रखे थे वो पकाने के लिए एक बड़ा सा पतीला लेती हूँ, उसमें पानी डाल देती हूँ, उसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला, साबुत धनिया, ये जो खड़ा मसाला है वो डाल देती हूँ, लौंग, इलायची, मीरी, बड़ा वेलची, जीरा, शाहजीरा और जीरा दोनों डालना है इसमें, दो हरी इलायची, थोड़ा सा कसूरी मेथी, दो हरी मिर्ची, ये आधा किलो की है तो उस हिसाब से मैं डाल रही थी, थोड़ा सा आधा नींबू का रस, इससे चावल का कलर जो है वाइट ही रहेगा और एक दूसरे से चावल चिपकेगा नहीं। इसके लिए आधा नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें जाएगा आधा चम्मच तेल, दो तेज पत्ते, और लास्ट में इसमें जाएगा नमक। आप देख सकते हैं इसमें तेल भी डाल दिया है मैंने। अभी इसको उबलाने तक हम लोगों को ये चिकन एक कढ़ाई में पकाना है अच्छे से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चिकन पक जाए तो उसको बिरयानी का फ्लेवर और उसका टेस्ट ही अलग आता है। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए रखा है, और इसमें जो मिश्रण जो हमने बैटर बनाया है चिकन का बिरयानी के लिए, तो उसमें वो अच्छे से फ्राई करके लेती हूँ। इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने दही डाला है तो उसका पानी छोड़ देगा वो। ये देखिए गाइस, मैंने उसमें अभी ये पूरा चिकन डाल दिया है। ये देखिए उसका पानी कैसे छोड़ रहा है अपना चिकन, उसका पानी थोड़ा सा रखना है, क्योंकि चावल हम लोग सिर्फ 80% ही पका के लेने वाले हैं, तो नीचे नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें जो दही का पानी है तो वो उसमें हम लोग पकाएंगे बिरयानी। ये देखो कितने अच्छे से लग रहा है, ये उसका कलर भी चेंज हो रहा है। तब तक उसमें मैंने चावल डाल दिए हैं पकने के लिए। ये देखिए गाइस, नींबू की वजह से चावल का कलर वाइट हो गया है, तो मैं इसको 80% पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि फिर बाद में 20% अपने चिकन मतलब दम में पकाना पड़ता है। तब तक ये देखिए आप, ग्रेवी कितना अच्छा से बन गई है। अभी हमारे चावल पक चुके हैं, 70% तो अभी पक चुके हैं, तो बीच बीच में मैं इसको हिला रही हूँ। साइड में एक पतीले में मैंने थोड़ा सा तूप लगा लिया है घी, पूरे पैन को हम लोगों को पतीले को तूप लगाना है, ताकि नीचे बिरयानी चिपके ना। इसके लिए तब तक मैंने आटा गूंद के साइड में रखा है, ताकि हम लोगों को दम लगाना है। आपके पास गीला कपड़ा हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए गाइस, अभी अपना चिकन का कलर बहुत अच्छा
आया है, तो वो जो चिकन है वो हम लोग उस पतीले में निकाल लेते हैं, दम लगाने वाले पतीले में हम लोग इसको निकाल के रख देते हैं, ताकि उसमें चावल पकने के बाद उसमें पकाना पड़ता है, 20% उसको अपने को पकाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे निकाल दिया है ग्रेवी का, थोड़ा सा मैंने वैसे ही पानी रख दिया था ताकि अच्छे से पक जाए, थोड़ा सा बरिस्ता डाल दिया मैंने उसने, जो चावल पके थे 80%, तो अभी उसमें मैं वो छान के पानी निकाल के उसमें डाल देती हूँ। सब बिरयानी चावल इसमें निकाल लेते हैं पानी में से। ये देखो गाइस, मैंने इसमें पूरा चावल निकाल दिया है। उसके बाद जाएगा उसमें हरा पुदीना, उसके बाद जाएगा उसमें बरिस्ता, मतलब जो हमने ओनियन कट करके फ्राई किए थे वो जाएंगे इसमें। उसके बाद उसमें जाएगा हरा धनिया, आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से दूध में ये जो है केसर डाल दिया था, वो भी डालना है इसमें, केसर और दूध का मिश्रण। एक वाटी है, मतलब 100 मिली है दूध, और उसमें मैंने 5-6 केसर डाल दिए थे। उस पर जाएगा फूड कलर, 4 चम्मच में मैंने 1/4 चम्मच मैंने कलर मिक्स किया है। ये देखो गाइज, आप देख सकते हैं ये, और लास्ट में हम डालेंगे इसमें घी, ऊपर से घी डालेंगे तो राइस को अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। इसको अभी हम लोग दम लगाने के लिए ऊपर से जो आटे का जो है वो लोइया लगा देंगे, ताकि जो हवा है वो बाहर ना निकल जाए। तो हमने उसको ये आटे से कवर कर लिया है, देख सकते हैं। वो जो हमने पानी निकाला था पकेगा उसमें ऊपर ढकने के लिए रख दिया, और 20 से 25 मिनट पे अपनी चिकन दम बिरयानी रेडी होने वाली है। तो मीडियम फ्लेम पे हम लोग इस बिरयानी को रखेंगे 25 मिनट के लिए। तो गाइज ये देखिए, हमारी जो चिकन दम बिरयानी है वो अच्छे से पक चुकी है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।